हेलो दोस्तों, आज मैं इस वाइंडिंग मशीन के बारे में बतलाऊंगा कि आप वाइंडिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इसमें हमें इस वायर को किस तरह से सेट करना है। इसके लिए सबसे पहले इस रॉड को निकालते हैं और इस वायर के रील को यहाँ देखिए, ये नीचे के तरफ से आ रहा है, ये हमें बाहर के तरफ रखना है। इसके टाइट करने के बाद थोड़ा सा इस गियर को लीवर को नीचे कर लें और इस पॉइंट पर ये लगाएं और फिर इधर से ये जो हो आसानी से इस नट के द्वारा एडजस्ट करें कि ये आराम से मूव करे और इसे छोड़ देने पर ये यहाँ ब्रेक का काम करे। ठीक है, अब हम इस वायर को इस रोलर पर लाएंगे जो जस्ट इसके नीचे है और इस रोलर से उठाकर हम इस रोलर पर देंगे और इस रोलर से फिर इस रोलर पर हम लाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक बोबिन बनाया है, ये रेडीमेड भी आता है जो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और इस बोबिन के को हम यहाँ ये जो क्लैंप है इसे हम इसके अंदर डालेंगे और ये जो रड है इसको यहाँ दे करके और इसे फिर हम इसको टाइट कर देते हैं और ये जो है इसके लिए इस नट से इसको हम यहाँ इस फ्रेम को टाइट कर लेते हैं। अब चूंकि ये वायर जो है हमारा 36 SWG है, ठीक है, तो 36 SWG के लिए ये गेज जो है मेंटेन किया हुआ है, इसे हम लूज करेंगे और इसे ये 36 पर आप एडजस्ट कर लें। ये जो व्हील है और ये व्हील इसे आपस में टच करना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से इसे एडजस्ट करेंगे तो ये इसके साथ टच करेगा। अब टच करेगा तो जब हम इसे चलाएंगे तो ये भी इसके साथ साथ रन करेगा और इस तरह से आपका वायर जो है लेयर वाइज वाइंडिंग आता जाएगा। जैसे इस तरह से एक एग्जांपल के लिए मैं ये दे रहा हूँ, देखिए इस वायर को हमने इस स्लिप से के अंदर डाल दिया है इस तरह से, हमने एक टेप का सपोर्ट ले लिया है। अब चूंकि इस वायर को मुझे आगे की तरफ वाइंडिंग करके ले जाना है तो इस गियर को हमें आगे की तरफ मूव कर देना है, यानी कि ये जो इसका गियर है इसके साथ टच कर जाए। ठीक है, तो इस 36 नंबर वायर के लिए जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि वायर टूटे नहीं और इस तरह से आसानी से वाइंडिंग करने में सुविधा भी होगी। आप फिर सपोर्ट थोड़ा सा दीजिए और देखिए ये लेयर बाय लेयर एक तार दूसरे के ऊपर नहीं आएगा और ये लेयर बाय लेयर आगे की तरफ वाइंडिंग इस तरह से आप
अपने वाइंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, हर के बाद एक वाइंडिंग है। इस मशीन से आप मैक्सिमम 30 SWG वायर का वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस गियर को अगर हम चेंज कर दें तो ये जस्ट इसके डबल में आ जाएगा, यानी इससे ज़्यादा मोटा का वायर आप यूज कर सकते हैं। जैसे 30 पर 15 SWG, इसी तरह 16 SWG, 17 SWG, इस तरह से आप इसी मशीन से मोटा भी तार वाइंडिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको दिखा रहा हूँ। दिखाने के लिए किया था इसलिए इस वाइंडिंग को मैं हटा रहा हूँ। इसको हमने खोल के हटाया है इसलिए कि मैं अब यहाँ आपको 20 SWG वायर यूज़ करूँगा, और वो इस तरह से इसे मैं चेंज करूँगा वो भी अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसे खोलिए, ठीक है, और इस नट को भी आप खोल दीजिए और इस गियर को निकालिए। ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसे छोटे वाले को हम अंदर कर देते हैं और इस बड़े वाले गियर को बाहर लगा देते हैं, और ये जो हैंडल है वो यहीं लगेगा छोटे वाले में। फ्री से आप कस दें और इसे भी कस दें। अब ये आपका 15 SWG से वायर वाइंडिंग करेगा, 15 इसके नीचे जो है 16, 17 ऐसे करके आप यहाँ 22 SWG तक, और इस लेवल पर आप वाइंडिंग कर सकते हैं। ये रील मैं हटा रहा हूँ, ये 36 SWG था। ये जो है देखिए 20 SWG है ये। अब इसके रील को हम इसमें फिर डालते हैं, और लगाने का जो तरीका है वो 36 SWG हो या 21 SWG हो, वो इस तरह से हम लगाते हैं। और इसके टेंशन को थोड़ा बढ़ाना होगा क्योंकि ये वायर गेज मोटा है, इसलिए इसे हम यहाँ से इस नट को थोड़ा सा कस देते हैं। अब ये जो है, और फिर इसी तरह इस वायर को यहाँ लाना है, और फिर इस वायर को यहाँ लाना है, और इस तरह से आप यहाँ लगाकर और इस पॉइंट पर टेप से पहले चिपका लें। इस तरह से आप और इसे हमने 40 पे ले आया है, और थोड़ा सा पहले सपोर्ट दें यहाँ, और जितना ये टर्न इस तरह से ये और इस तरह से आपका वाइंडिंग शुरू हो जाता है। और देखिए ये लेयर बाई लेयर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इसी तरह हर जानकारी को आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक्स।